हे गाइस, मैं रोहित। गाइस, आज एक वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम लोग जूते को वाटर प्रूफ बनाएंगे। भाई जूता दे जरा। अरे यार कैसे बंद, भाई एक सेकंड रुको, आ रहा हूँ। हाँ गाइस, ये हमारा जूता है, इसको हम लोग एक जूते को वाटर प्रूफ बनाएंगे, एक जूते नहीं बनाएंगे। देखेंगे कि ये जूता वाटर प्रूफ बनता है नहीं बनता। इसको बनाने के लिए हम लोग मोमबत्ती का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग ये जूते के ऊपर ऐसे पूरा घसेंगे। ये गाइस, ये सिर्फ कपड़े के जूते भी वाटर प्रूफ बन सकते हैं। इसको हम ऐसे घसेंगे पूरा मोमबत्ती को, ऐसे ऐसे पूरा मोमबत्ती को उसके ऊपर घस डालेंगे। गाइस हम उसपे घसते एकदम मस्त से। गाइस हम लोग ये पूरे जूते के ऊपर एकदम मोम को एकदम चढ़ा देंगे एकदम अच्छे से। ये तो एक ये हमारा जूता है जिसको हम लोग वाटर प्रूफ करने, ये हमारा बंदूक जिसको मैं दाग में जा रहा था दा। नहीं गाइस, ये एक लाइटर है, इसको मैं गर्म करेंगे। गाइस आप लोग देख सकते हो, देखिए ये हम एक बार इसको हम सेक चुके हैं अच्छे से, इसको गर्म कर चुके हैं, और इसका जो मोम था कपड़े के अंदर पूरा ये इसके अंदर जा चुका है। अब हम लोग दोबारा इसको लगाने जा रहे हैं। हम लोग चलते हैं इसको सेकने के लिए। गैस चालू करते हैं, गैस है हमारा। गैस देखो, इसको हम लोग से सेकते थे आराम आराम से, इधर से पकड़े ना। गैस आप लोग देख सकते हो सेकने के बाद गैस का मतलब ये मोम के अंदर हल जाता है, पूरा सूख लेता है कपड़ा मोम को। गैस थोड़ा बच के करना पड़ रहा है क्योंकि आगे जल भी सकता है कपड़ा। ये एक बार हम लोग गाइस और इसको इसके अंदर लगाएंगे अच्छे से। गाइस आप जितना इसको लगा सकते हो उसके अंदर इसको मोम को लगड़िए अच्छे से, कि आपका और अच्छे से मतलब पूरा वाटर प्रूफ बन जाएगा। फिर उसके बाद पानी जाने कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब इसको हम लोग फिर एक बार गर्म करते हैं। गाइस एकदम अच्छे से करेंगे इसको, कि हाथ पकड़े ना इसके ऊपर। गाइस आप देख सकते हो कि पूरा मोम इसके अंदर फिर सोख लिया। गाइस मैं सोच रहा हूँ एक बार और इसको आगे मोम से इसको लगा देते हैं, फिर लास्ट टाइम ही हमारा, इसको हम लोग एक बार और अच्छे से लगाएंगे।
देख सकते हो हम लोग पूरा इसको लगा डाल रहा हूँ। अब इसको एक बार और सेकेंगे, फिर इसके बाद धूप में थोड़ा इसको सुखाएंगे, उसके बाद हम इस पर पानी गिरा के देखेंगे कि देखते हैं वाटर प्रूफ बना है कि नहीं। लेकिन इसको और सेक भी देखें, अच्छे से सेक देते हैं तो मस्त। गाइस अब ये पूरा तैयार है वाटर प्रूफ होने के लिए, बस हम लोग इसको अभी धूप में थोड़ा रखेंगे लगभग 10-15 मिनट, फिर इसको इसका टेस्ट लेंगे। चलो गाइस हम लोग धूप में रखते हैं, बंद कर दीजिए। गाइस ये इसमें एक हमारा वाटर प्रूफ जूता है और एक नॉर्मली जूता है, आप देख सकते हो। गाइस आप इसको पहचान नहीं सकते हम कौन सा वाटर प्रूफ बनाए थे कौन सा नहीं। गाइस थोड़ा बड़ा कलर में फर्क आया है। गाइस हमारा वो ये जूता तैयार है वाटरप्रूफ बन के, अब हम अपने जूते को टेस्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं ये वाटरप्रूफ बना है कि नहीं बना है। इस पर हम लोग पानी गिराएंगे, ये पानी है। अब हम लोग देखो पहले ये जिसपे हम लोग वाटरप्रूफ भी बनाया उसके ऊपर पानी गिराते हैं। गाइस आप लोग देख रहे हो कि ये कैसे एकदम गीला हो जा रहा है। अब गाइस जिसको हमने जो जूते को हमने वाटरप्रूफ बनाया उस पर पानी गिरा के देखते हैं। देखे गाइस ये पानी बिल्कुल नहीं पड़ रहा, ये बिल्कुल वाटरप्रूफ बन चुका है। गाइस इस पे देखिए जैसे गिरा रहे पूरा गीला हो जा रहा है, देखिए पूरा पैर में पानी जा चुका है। और गाइस ये हमारा वाटरप्रूफ वाला देखिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं, देखिए खलास। और ये हमारा अभी आपको गाइस ये पैर निकाल के दिखा था आपके सामने, देखिए हमारे ये वाला पैर पूरा भीग चुका है और ये पैर में बिल्कुल पानी लगा है गाइस, बिल्कुल नहीं लगा है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ऐसे ही, गाइस आप देख सकते हैं कि पूरा मेरा पैर गीला हो गया और इसमें भी पानी एकदम हल चुका है जिसको हमने वाटरप्रूफ बनाया था। अब उसको हम लोग दिखा, गाइस हम लोग देखते हैं अभी ये गीला हुआ कि नहीं, इसको खोल के देखते हैं एकदम आराम से। सो गाइस आप देख सकते कि मेरा पैर बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है और इसके अंदर देखिए पानी तो बिल्कुल नहीं है गाइस, एकदम पूरा वाटरप्रूफ बन चुका है। देखिए गाइस बिल्कुल पानी लगा नहीं है इसके ऊपर, ये जो हम मोम लगाए थे उसका ही दिख रहा है। और गाइस जिसपे हम लोग मोम नहीं लगाए थे वो देखिए ये पूरा गीला हो चुका है, देखिए हमारे हाथ में पूरा पानी लग जा रहा है, आप देख सकते हो। गाइस आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।